गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित आर्केडिया मार्केट में 13 अक्टूबर को जज कृष्णकांत के गनर द्वारा उन्हीं के परिवार के सदस्यों पर गोली चलाई गई थी, जिसमें घायल उनके पुत्र की आज मृत्यु हो गई। मृतक ध्रुव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में पिछले 10 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आज सुबह करीब 4 बजे ध्रुव जिंदगी की जंग हार गया और चल बसा, लेकिन ध्रुव हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि ध्रुव के पिता जज कृष्णकांत ने ध्रुव के काम कर रहे अंगों को दान कर दिया है। ध्रुव का दिल, एक किडनी व लीवर किसी और को जिंदगी देंगे, या यूं कहे कि ध्रुव का दिल कहीं ना कहीं धड़कता रहेगा। उनके पिता ने अपनी सहमति से सभी अंगों को दान करने की सहमति अस्पताल प्रशासन को दी। इससे उसके पिता की मानवता का भी परिचय होता है कि पुत्र व पत्नी को खो देने के बाद भी उन्होंने 3 लोगों को जीवन दान देने की कोशिश की है। ध्रुव का अंतिम संस्कार बुधवार को हिसार में होगा।